के बाद बाबिन सीधे सही स्ट्रेट लाइन पे प्रेस करके बिठा दीजिए सही लाइन पे। ओके बाबिन बैठ गई है बाबिन सही तरह से। इसके बाद में धागा पुराने का तरीका जो है, पहले ऊपर के सुराख में डालो इसको, फिर उस यहाँ से डालने के बाद फिर इसे ऊपर से डालने के बाद नीचे से निकालना इसको, ये इधर आ गया, मतलब यहाँ से लेके फिर यहाँ से निकालना, बाहर निकाल ले। ये दोनों प्लेटों में कस के अंदर खींचना, कोई क्या करते लाइट छोड़ देते, ऐसा लाइट नहीं, ऐसा अंदर से खींचे जाए। और ये छोटा सा स्प्रिंग का थोड़ा है, ये वाला हिस्सा स्प्रिंग के नीचे आने के बाद इसके नीचे घुमाना चाहिए इसको। ओके ऐसा तागा जब बराबर से उसका सीवन सही ढंग से आता साफ, जब जरा भी मिस्टेक कर देंगे तागा पुराने में तो मशीन ख़राब हो जाती है अपने को, ये ऐसा एक्शन होता है इसका वजह। तो पहले ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एक्शन। अब सीधा इसमें जो है ना, सीधा सुई में फिरा लीजिए और ज़रा भी उल्टा नहीं फिराना मशीन, ज़रा उल्टी फिर गई तो मशीन तागा फंस जाता, मशीन रुक जाती है, आपको जाम हो जाता। और काम स्टार्ट करने का तरीका कि पहले बाबिन का तागा ऊपर निकाल लेना, दोनों तागे पीछे छोड़ने के बाद में काम शुरू करना। ये ऊपर रख दिए, काम शुरू करना मतलब दोनों तागे पीछे छोड़ने के बाद आप रिंग रख दिए इसके बाद में। और मशीन सीधा चलने की आदत रहना आपको हैबिट, ज़रा भी उल्टी घूम गई मशीन तो स्टक हो जाती मशीन आपको। मेरे नाम का ए उतार रहा हूँ इधर, मतलब अपने को जहाँ आपके होता हैबिट नहीं रहता ना ट्रावल का ट्रेनिंग जी, इसलिए ज़रा हम सीखे ऐसा ट्रावल बताते हैं मैकेनिक रह के फिर भी हम जी। तो आपके घुटने का इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा और हैबिट आदत कर लेना पड़ता है। हाँ वो घुटने की आदत नहीं, घुटने की आदत करना हमको अपन ऑयलिंग डालते से, ऑयल डालते से इन सभी होलों में ऑयल्स डालना, ये जो बने हुए हैं इसमें हाँ। डालना होता है। अच्छा भाई ये अगर